initial SIT investigation report of the Hathras accident has been submitted. In the investigation, which in fact is being conducted under the leadership of ADG Agra and Aligarh Commissioner, statements of 100 people including DM, SSP have been recorded. Only after this accident, which happened on the afternoon of July 2nd, the order for SIT investigation was issued from the chief minister level. Kumar Abhishek has got more details on that story. Kumar, is initial report mein kya bola gaya hai, iski details de. देखिए, ये मुख्यमंत्री ने घटना के तुरंत बाद एक समिति बनाई थी जिसमें एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और वहां के जो कमिश्नर हैं चैत्रा भी, इनको 24 घंटे में एक रिपोर्ट देने को कहा गया था, जो शुरुआती रिपोर्ट है कि आखिर इसकी वजह क्या थी। तो वो रिपोर्ट अब सबमिट हुई है क्योंकि दो दिनों तक वहां पर बहुत सारे काम और करने थे, इस वजह से ये रिपोर्ट सबमिट हो गई है। और इसमें अभी तक ये सामने नहीं आया है कि आखिर इस रिपोर्ट में वजह क्या बताई गई है, क्योंकि रिपोर्ट ये 24 घंटे में सबमिट होनी थी लेकिन ये कल देर रात को ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। तीन दिनों तक जितने लोग वहां मौजूद थे, वो चाहे डॉक्टर हो, एम्बुलेंस कर्मी हो, पोस्टमार्टम करने वाले हों, शहीद हो, घायल हो, अस्पतालों में और काम करने वाले लोग हों, तो पुलिस अधिकारी हों, सबों से बातचीत करके ये रिपोर्ट सबमिट की गई है। लेकिन इसमें जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक पूरे मामले की वजह अभी नहीं सामने आई है। इसमें देखना पड़ेगा कि इस रिपोर्ट में आखिर है क्या, लेकिन ये रिपोर्ट सबमिट हो गई। इस रिपोर्ट सबमिट हो गई है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुमार अभिषेक, गेटिंग अस दोस डिटेल्स। डेज आफ्टर एन इंक्वायरी वाज ऑर्डर्ड, दिस रिपोर्ट, द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट has been submitted and statements of over 100 people, many of them eyewitnesses, has been recorded.